హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మే డాక్టర్ ఆశ గౌడ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఐవీఎఫ్ కన్సల్టెంట్ ఉమంగ్ హాస్పిటల్ హడప్సర్ పూణే సే. ఆజ్ మేరే జో రెగ్యులర్ ప్రెగ్నెంట్ సబ్స్క్రైబర్ హే ఉన్కే లియే బహుత్ హీ నయా ఔర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ లేకే ఆయీ హూ. బహుత్ సారే పేషెంట్స్ హమ్ లోగో కో ఓపీడీ మే పూచ్తే హే, జబ్ భీ ఆప్కో డాక్టర్ డిఎన్సీ సజెస్ట్ కర్తే హే, డైలేటేషన్ అండ్ క్యూరేటాజ్ ఆప్కే అబార్షన్ కర్తే హే, సర్జికల్ అబార్షన్ కర్తే హే యా ట్యాబ్లెట్ సే అబార్షన్ కర్తే హే, తో పేషెంట్ కా క్వశ్చన్ రహతా హే కి డాక్టర్ మేరే నెక్స్ట్ పీరియడ్ కబ్ ఆయేంగే, యా ఇస్కో హీ మే పీరియడ్ కౌంట్ కరూ జో అబార్షన్ కా బ్లీడింగ్ रहता है. तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एबॉर्शन के बाद आपका अगला पीरियड कब आएगा. देखो, बेसिकली एबॉर्शन जो है ये दो तीन टाइप के रहते हैं. अगर आपका 7 वीक्स के नीचे अगर प्रेगनेंसी है तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देते जिसको मेडिकल एबॉर्शन बोलते हैं. अगर आपका 7 वीक्स के ऊपर प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर आपका सर्जिकल एबॉर्शन करते जिसको हम लोग डीएनसी बोलते हैं. और थर्ड टाइप का रहता है आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है. तो आपका एबॉर्शन के बाद नेक्स्ट पीरियड कब आएगा ये दो चीज़ों पर निर्भर रहता है. एक तो सबसे पहले कि आपकी बेसिक पीरियड की साइकिल कैसी है. अगर आपके पीरियड एग्जैक्ट 28 टू 30 डेज में आ रहे हैं, या अगर आपके पीरियड इररेगुलर है 30, 35, 45, 40 या 60 डेज के साइकिल है. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं. मानो एबॉर्शन के बाद आपके डॉक्टर ने सोनोग्राफी से कंफर्म करा है या नहीं, आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये दो चीजों पे आपका अगला पीरियड कब आएगा वो सब निर्भर रहता है. तो पहला सिनेरियो हम लोग लेते हैं कि मानो आपके पीरियड रेगुलर है, 28-30 दिन में आपकी रेगुलर महामारी आती है और आपका एबॉर्शन हो गया. आपको मानो फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ, या फिर आपने टैबलेट ली, मेडिकल एबॉर्शन करा, आपका प्रेगनेंसी 5 to 6 weeks का था और आपके डॉक्टर ने आपका 15 दिन के बाद सोनोग्राफी करा जिसमें आपका पूरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है, तो वो केस में आपका जो एबॉर्शन का ब्लीडिंग था वहां से आप अराउंड 1 महीना पकड़ो. मतलब ऑन एन एवरेज आपकी जो साइकिल है 30 डेज की उतने दिन पकड़ो, मैक्सिमम 4-5 दिन एक्स्ट्रा पकड़ो, आपके पीरियड आ जाएंगे. क्लियर? आपका पीरियड अगर रेगुलर है और अगर आपका एबॉर्शन पूरा 100% कंप्लीट हुआ है तो आपको एग्जैक्ट 30 डेज मैक्सिमम 3-4 दिन लेट आपके नेक्स्ट पीरियड आ जाएंगे. अभी सेकंड सिनेरियो लेते हैं. मानो कि आपके पीरियड्स इररेगुलर है, आप मानो पीसीओडी के पेशेंट हो, या आप थायराइड के पेशेंट हो, या आपको कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके बेसिक साइकिल इररेगुलर थे 45 डेज 60 डेज या 65 डेज. तो आपका बेसिक पीरियड इररेगुलर था और आपने एबॉर्शन करा, यानी आपका स्पॉन्टेनियस हुआ, या आपने टैबलेट से एबॉर्शन करा, या आपने डीएनसी करा और उसमें आपके डॉक्टर ने आपका एबॉर्शन के बाद आपका सोनोग्राफी से कंफर्मेशन आपको दिया कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है, तो उस केस में आपका जो बेसिक साइकिल है वही लेंथ आप काउंट करो. आपको जो ब्लीडिंग हुआ था एबॉर्शन का वहां से आप 45 डेज 60 डेज 65 डेज काउंट करो, आपके नेक्स्ट पीरियड आ जाएंगे. तो अगर आपके पीरियड इररेगुलर है और आपका सोनोग्राफी में आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है तो उसमें आपका जो साइकिल लेंथ है वहां से ही आपका पीरियड ऑन एन एवरेज वो डेट में आ जाएगा 4-5 दिन इधर उधर. अभी थर्ड सिनेरियो आता है कि जिसमें आपने सोनोग्राफी से कंफर्म नहीं करा या फिर आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ. मानो आपने टैबलेट लिए लेकिन आप 15 दिन के बाद सोनोग्राफी के लिए गए नहीं डॉक्टर के पास और आपको लगा कि चलो अभी मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, मेरा ब्लीडिंग रुक गया, लेकिन आपको फिर से 20 दिन में 25 दिन में थोड़ा सा स्पॉटिंग शुरू हुआ, थोड़ा सा ब्लीडिंग शुरू हुआ, या फिर आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ, आपको लगा कि नहीं अभी सब अच्छे से ब्लीडिंग हुआ है, मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए आपको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो वो केस में वो आपके पीरियड नहीं है, शायद आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं. तो ये थर्ड सिनेरियो ऐसा है कि आपके पीरियड रेगुलर रहो या इररेगुलर रहो लेकिन आपका एबॉर्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने अगर आपके डॉक्टर से जाके सोनोग्राफी नहीं कराई है और आपका अगर एबॉर्शन के कुछ पार्टिकल अगर अंदर आपके बच्चादानी में बाकी है तो उस केस में आपको बीच बीच में ब्लीडिंग होते रहेगा, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस होगा, स्पॉटिंग होगा, 2 दिन होगा, फिर से रुक जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो इररेगुलर ब्लीडिंग होता है दैट इज द इनकम्प्लीट एबॉर्शन. अगर आपका सोनोग्राफी में एबॉर्शन का कंफर्मेशन हुआ नहीं है, वेदर इट इज इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट,
तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है उसका टेक होम मैसेज यही रहेगा कि आपका डीएनसी के बाद या एबॉर्शन के बाद आपका अगला महीना कब आएगा, ये दो चीजों पे निर्भर रहता है। एक तो आपके बेसिक साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, और दूसरा आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर आपके साइकिल्स रेगुलर है और आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है जो सोनोग्राफी में कंफर्म हुआ है, तो आपके 100% पीरियड एग्जैक्ट 30 डेज मैक्सिमम 2-3 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। और अगर आपका पीरियड इरेगुलर है और आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है ये भी कंफर्म हुआ है, तो आपके जो इरेगुलर साइकिल की पीरियड की जो लेंथ है वो आप काउंट करेंगे, आपके पीरियड्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि एबॉर्शन के बाद डॉक्टर मेरा पहला पीरियड कब आएगा, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप ये डिस्कस करो, उनके साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराऊंगा तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।